Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and we are doing people and environment practice questions. ये नाइन्थ पार्ट है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीपल एंड एनवायरमेंट का. इससे आगे हम लोगों ने आठ पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. ईच पार्ट हैज 15 क्वेश्चंस. ओके एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज Dive to Learn ऐप इज नाउ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर्स एंड यू ऑल कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके एंड फॉर एनी क्वेरीज आवर व्हाट्सएप नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन टू व्हाट्सएप अस. सो लेट अस स्टार्ट. इससे पहले हम लोगों ने 120 क्वेश्चंस किया हुआ है, अब 121st क्वेश्चन है. बॉग इज अ वेट लैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम. अब ऑप्शंस देख लेते हैं. बॉग एक वेट लैंड है जो जहाँ पानी कहाँ से आता है. नियर बाय वाटर बॉडीज, मेल्टिंग, रेनफॉल ओनली, सी. तो आपको क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा. बॉग क्या है, एक वेट लैंड है. ओके जहाँ पानी, इन ऑप्शन में से किसी एक में से सही आंसर है, वहां से पानी अक्यूमुलेट होता है, वहां से पानी उसे मिलता है. तो सही आंसर कौन सा, मैं तो आपको आंसर दूंगी ही सही, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रेनफॉल ओनली. बारिश का पानी जब जमा होता है वहां से बॉग्स को पानी मिलता है. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन द वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक्स. किस जोन में सबसे ज्यादा रिस्क है अर्थक्वेक का. सो द ऑप्शन हियर आर सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, कोस्टल रीजन, हिमालयन रीजन, इंडियन डेजर्ट. तो आपको कौन सा लगता है कौन सा रीजन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का रिस्क है. इट इज ऑब्वियसली द हिमालयन रीजन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. कोड्स यहाँ पे है, हमको ये मैच करना है, ठीक है. लिस्ट वन में इंस्टीट्यूशन दिया गया है, लिस्ट टू में सिटीज दिया गया है. ये इंस्टीट्यूशन कौन से सिटीज में बिलोंग करता है उसको हमें मैच करना है. तो सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूशन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस. ये हो गए हमारे इंस्टीट्यूट्स. ओके नाउ इन्होंने हमें सिटीज का नाम दिया है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स है. एंड द सिटीज आर कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद एंड जोधपुर. सो लेट अस सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दीज कोड्स. कौन सा सही है वो देख लेते हैं हम लोग. Yes, you can try it by yourself also, okay? And the correct option is number A, that is 4. First mein 4 aayega. Central Arid Zone Institute, it is in Jodhpur. Central Application Center is in Ahmedabad. Then comes Indian Institute of Public Administration, wo New Delhi mein hai. And headquarters of Indian Science Congress, it is in Kolkata. So the correct option is A, okay? Next question. Indian coastal areas experienced tsunami disaster in the year. India ka coast mein tsunami ka disaster kaun se year mein experience kiya gaya tha, kaun se year mein face kiya gaya tha. And the options are 2005, 2004, 2006, 2007. So what do you think is the correct option? The correct option is, yes, it is B, number 2004. ओके नेक्स्ट. ये क्वेश्चन हमारा आया था जून 2008 में एंड वी हैव पिक्ड इट अप बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके सो दैट वाई वी हैव इंक्लूडेड इट हियर. ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज. हमारे कान ज्यादा सेंसिटिव किस रेंज की आवाज के लिए होता है. वी हैव टू फाइंड द रेंज. ओके 20 hertz to 20 kilohertz, 100 to 500 hertz, 10 to 12 kilohertz, 13 to 16 kilohertz. तो आपको कौन सा लगता है सही आंसर है. इट इज द फर्स्ट वन दैट इज 20 hertz to 20 kilohertz. इट्स वेरी सेंसिटिव. ओके आवर ईयर, ह्यूमन ईयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइज. नॉइज का इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है. Obviously you can do this. अब भी एक सेकेंड पहले हम लोगों ने इसी का क्वेश्चन अवेल किया था. And the unit to measure intensity of noise is decibels. Okay, unit है decibels. Decibels में intensity of the noise measure किया जाता है. Okay, next question. If the population growth follows a logistic curve, the maximum sustainable yields
is equal to half the carrying capacity is equal to the carrying capacity depends on the growth rates, depend on the initial population. So which one do you think is the correct option? If the population growth follows a logistic curve, the maximum sustainable yields is equal to half the carrying capacity. The option is number A. Okay, let's move to another question. Chemical weathering of rock is largely dependent upon. Okay, chemical weathering of the rocks kis cheez ke upar depend karta hai? High temperature, strong wind action, heavy rainfall, glaciation. So which one do you think is the correct option? केमिकल वीदरिंग मतलब जो रॉक बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो जो यू नो वीदर होते जाते हैं, मट्टी में परिणित होते जाते हैं, ऊपर का लेयर खिसकते जाता है, मट्टी बनती जाती है, उसे कहते हैं वीदरिंग. ओके, सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल की वजह से ऊपर का लेयर सरकते जाता है, मिट्टी बनती जाती है और रॉक्स केमिकल वीदर होते जाते हैं. दैट इज रॉक्स छोटा छोटा होते जाता है साइज में. द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. Okay, let us again, there are two lists, we have to match it. Earth ka system kis consist hota hai. List one is zone and list two is chemical characters. Okay, atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere. We know that earth ka jo bahari cover hai ya jo earth ko cover kiye hue spheres hai wo atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere hota hai, magar ye kis chemical character ke bane hote hain ye हमें यहाँ पे मैच करना है. नंबर वन इज इनर्ट गैसेस, सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, स्केलेटन मैटर, लाइट सिलिकेट्स. तो आपको कौन सा लगता है इनमें से कौन सा, वी हैव टू मैच फ्रॉम दीज कोड्स. ओके, आंसर यहाँ पे है तो कौन सा कोड सही होगा ये आपको बताना है. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर, दैट इज एटमोसफियर इज इनर्ट गैसेस, देन बायोस्फियर मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस and skeletal matters, hydrosphere means salt, fresh water, snow and ice, lithosphere means light silicates. Okay, so this is the correct option, this one is the correct option. Okay, let us move to another question. This these questions are taken out from December 2007, so there's an important you have to find the answers correctly. Okay, so this is the 130th question. Deforestation during the recent decades has led to soil erosions, landslides, loss of biodiversity, all the above. So हम लोग जितने भी पेड़ पौधे काटते रहते हैं सारे चीज इन सब चीजों से क्या चीज में असर हुआ है. Soil erosions, well, landslides, well, loss of biodiversity, all the above. कौन सा लगता है आपको? Obviously, all the above. सब चीज में हानि पहुंचाया है हमारे पेड़ पौधों को काटने की वजह से ना, तो it is all the above. Which of the following natural hazards is responsible for causing highest human disaster? Natural hazards, okay? Natural hazards कौन सा है जो highest human disaster cause कर सकता है? Earthquake, स्नो स्ट्रॉम्स, वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी. तो आपको कौन सा लगता है कौन सा ये नेचुरल हजार्ड है जो ज्यादा यू नो ह्यूमन पॉपुलेशन को, ह्यूमन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज सुनामी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर नेचुरल हजार्ड्स मिटिगेशन कम करने के लिए? ओके, इंटरनेशनल एड, टाइमली वार्निंग सिस्टम, रिहैबिलिटेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो आपको कौन सा लगता है इसमें से कौन सा होगा सिस्टम जो अप्रोप्रिएट है फॉर नेचुरल हैजर्ड मिटिगेशन कम करने के लिए? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टाइमली वार्निंग सिस्टम. जो भी नेचुरल हजार्ड होने से पहले अगर हम लोग उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको टाइम पे रहते ही वार्निंग प्रोवाइड करवा सकते हैं. नेक्स्ट, स्लम इन मेट्रो सिटीज आर द रिजल्ट्स ऑफ. अब स्लम जो झुग्गी झोपड़ी कहते हैं ना, उसका क्या रीजन है मेट्रो सिटीज में होना? व्हाट इज द रिजल्ट? एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट. ओके, एंड द रिजल्ट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, पॉवर्टी टू सिटी स्पेस, लैक ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन गवर्नेंस. Which one do you think? Metro cities में slums का होना क्या results करता है? It is rural to
अर्बन माइग्रेशन, जो लोग गांव बस्ती से उठकर जो शहरों में आके बस जाते हैं ना, उस वजह से होता है स्लम्स। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन, ये हमने पहले भी किया था, आगे वाले पार्ट्स में भी आया था, बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिपीटेड। सो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, टेम्परेट फॉरेस्ट इन द हिमालयाज, तराई जोन्स ऑफ द हिमालयन फूड। एंड द करेक्ट आंसर इज, जिन्होंने आगे का पार्ट किया, दे नो इट, इट इज द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। Again, this question has been taken from June 2007. Tsunami occurs due to, tsunami kis reason se hota hai? Mild earthquake and landslides in the ocean, strong earthquake and landslides in the ocean, strong earthquake and landslide in mountains, strong earthquake and landslides in desert. So, aapko kis kya lagta hai? Kya reason hoga for tsunami? Tsunami kis reason se occur hota hai? Yes, B is the correct option. That is a strong earthquake and landslide inside the ocean. Okay. Thank you, students, for watching this video. We will come up with the next video soon. And don't forget to download Dive to Learn app from Play Stores. And our WhatsApp number is in the description. So you can WhatsApp us for your queries. Thank you.